आज हम लोग इंजन बाइक ड्राइंग 3D के अंदर हम लोग कुछ ऐसे न्यू मिथ को ट्राई करके देखने वाले गाइस, जिन्हें देखकर आपको सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला। बिकॉज गाइस मैंने आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक न्यू अपडेट वाली मिथ को खोज निकाला था। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पास 6677 डाल करके एक GCB स्पॉन कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पास एक यहाँ पास जी वैगन स्पॉन करना है, जिसका चीट कोड है 6666। एंड गाइस जैसे आप लोग यहाँ पास देख सकते हो, आप जी वैगन को स्पॉन करते हो तो अपना जी वैगन गाइस कितना ऊपर उछल जाता है भाई। एंड यहाँ पास GCB को सीधा उड़ा कर ले जाता है भाई, मतलब कुछ जी वैगन पावर काफ़ी बढ़िया है। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस आपस में दोबारा से आपस जी वैगन को स्पॉन करते हो GCB के ऊपर, तो गाइस GCB को उड़ा कर ले जाता है भाई जी वैगन। एंड यहाँ पास सिंपली आपस में डिफेंडर कार को स्पॉन किया हूँ। एंड भाई डिफेंडर भी काफ़ी मस्त मतलब पावरफुल है, देख सकते हो ये भी मतलब कि GCB को उड़ा के ले गया भाई। लिटरली गाइस ये मिथ काफ़ी बढ़िया था। एंड एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करके देखना क्योंकि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। एंड नेक्स्ट मिथ ये गाइस की सबसे पहले आपको यहाँ पास स्पॉन करना है गाइस 3001 डायल करके आप लोग यहाँ पास वाटर बोर्ड स्पॉन करना है। एंड वाटर बोर्ड स्पॉन करने के बाद आपको क्या करना है चलो बता दो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पास वाटर बोर्ड स्पॉन कर लेना है। तो यहाँ पास मैं एक वाटर बोर्ड स्पॉन किया था लेकिन वो बिल्डिंग के ऊपर स्पॉन हो गया गाइस, इसलिए मैं दोबारा से स्पॉन करना पड़ा। एंड चलो यहाँ पास हम 20 एंड यहाँ पास 30 डाल करके हम लोग यहाँ पास जंपी मोड एक्टिवेट करते हैं। एंड जैसे आप लोग यहाँ पास जंपी मोड एक्टिवेट करते हो एंड उसके बाद गाइस यहाँ पास सबको कुछ नहीं करना है, जंपी मोड को एक्टिवेट कर लेना है। एंड सारे मतलब कि आप लोग को कम से कम यहाँ पास 10 से 20 जंपी एक साथ इकट्ठे कर लेना है। एंड इकट्ठे करने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पास एंडर कर देना इतने सारे जंपी मतलब कलेक्ट करने के बाद। एंड उसके बाद देखना गाइस आपके साथ एक तगड़ा सा ग्लिच देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा गाइस आपको चलो बता दूँ। तो यहाँ पर हम लोग को जाना है। एंड देख सकते हो जैसे कैसे यहाँ पास बिल्डिंग के पास आपको यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड को स्पॉन करने कोई भी बिल्डिंग हो जाए वो चले गई। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो आप लोग सीधे बिल्डिंग के अंदर चले जाओगे। एंड उसके बाद गाइस लिटरली गाइस आपको जो वाटर बोट है ये यहाँ पास नीचे चला जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पास नीचे में भी ड्राइव कर सकते हैं। एंड मिथ को टॉकिंग बताया गया गाइस अगर इसे हम लोग समुद्र के किनारे लेते हैं तो अपना जो यहाँ पास वाटर बोट है गाइस दोबारा से समुद्र के ऊपर भी आ सकता है। तो चलो गाइस जल्दी से इसे मैं लेके चलता हूँ समुद्र के किनारे। एंड देखते हैं गाइस कि सच में यहाँ पास ऊपर आएगा अपने वाटर बोट या फिर नहीं, लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली हम यहाँ पास समुद्र के किनारे पहुँच चुके हैं। लेकिन गाइस क्या आपने सच में वाटर बोट ऊपर निकलेगा या फिर नहीं चलो देख ही लेते हैं। तो देख सकते हो हम यहाँ समुद्र किनारे पहुँच चुके हैं। अब गाइस लेट्स गो, यहाँ पास अब बारी है। एंड फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस सच में अपना जो वाटर बोट है गाइस समुद्र के ऊपर निकल गया भाई, मतलब कि वाइट से ऊपर। एंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड इसे एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करके देखना। एंड चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। एंड मिथ के अकॉर्डिंग बताया गया गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पास 000 एंड यहाँ पास 2 डाल करके हम लोग यहाँ पास डिफेंडर कार स्पॉन करना है। एंड डिफेंडर कार के बाद गाइस हम लोग को यहाँ पास एक मैजिक देखने को मिलेगा, जो कि गाइस यहाँ पास पुलिस मतलब पुलिस कार में मतलब कि अपना जो डिफेंडर कार ही कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं गाइस कैसे ये कन्वर्ट होता है, लेट्स गो। तो आप लोग को पता है गाइस हमारे गेम के अंदर हम लोग को पुलिस व्हीकल स्पॉन करने के लिए 100 डायल करना पड़ता है। एंड 101 भी डायल करना पड़ता है। एंड यहाँ पास डिफेंडर के लिए 0002 डायल करने से हमारे गेम के अंदर यहाँ पास डिफेंडर तो देखने को मिलता है लेकिन गाइस ये पुलिस व्हीकल नहीं है। एंड पुलिस व्हीकल बनाने के लिए आपको क्या करना है चलो आपको बता दो। तो सबसे पहले गाइस आपको बताइए अगर हम पुलिस व्हीकल हम लोग को देख सकते हो यहाँ पास सारा ब्लैक कलर में, अगर इसे हम लोग यहाँ पास ब्लैक कलर करते हैं तो हम लोग यहाँ पास दोबारा से हम लोग यहाँ पास डिफेंडर यहाँ पास पुलिस व्हीकल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ पास डिफेंडर को ब्लैक कलर में करके देखते हैं। एंड देखते हैं गाइस क्या सच में वहाँ पास पुलिस व्हीकल में कन्वर्ट हो पाएगा या फिर नहीं, लेट्स गो। तो सच में आप देख सकते हो गाइस अपना जो आपस डिफेंडर गाइस ये पुलिस व्हीकल में कन्वर्ट हो चुका है, बस इसमें सायरन की कमी है जो कि आपस पीछे देख सकते हो, आपस पीछे तो रेड लाइट रहता ही है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड बस इसमें सायरन एंड स्टिकर की कमी, बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से पुलिस व्हीकल ही लग रहा है भाई। लिटरली ब्लैक कलर करने के बाद सच में आपस पुलिस व्हीकल ही लग रहा है। एंड आप लोग कमेंट करके बताना गाइस ये आपको कैसा लगा क्योंकि गाइस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की ओर, मिथ नंबर 3। एंड मिथ नंबर 4 ये है गाइस कि सबसे पहले आपको यहाँ पास 6000 डाल करके एक डॉग स्पॉन कर लेना है। एंड मिथ के अकॉर्डिंग बताया गया सबसे पहले हम लोग को यहाँ पास DON यहाँ पास ड्रोन मतलब लिख लेना है। एंड ड्रोन लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पास दोनों बटन एक साथ प्रेस करना है, आपको यहाँ पास एंटर का बटन एंड यहाँ पास RGS टूल में ड्रोन का बटन एक साथ आपको प्रेस कर देना है। एंड उसके बाद आपको ड्रोन से एग्जिट कर लेना है। चलो यहाँ पास जल्दी से ड्रोन से एग्जिट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पास ड्रोन से एग्जिट करते हैं लेकिन एक मिनट अपना फ्रैंकलिन गाइस कैसे बैठा है आप लोग देख सकते हो गाइस, लिटरली में ये तो खड़ा होते गाइस मतलब कि डॉग को राइड कर रहा है भाई लिटरली में। एंड आप लोग देख सकते हो एंड ये मिथ कोडिंग बताया गया गाइस कि अब अपना जो आपस डॉग है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। चलो टेस्ट कर ही लेते गाइस इसे सामने जो कार है इन लोग के साथ टेस्ट कर लेते हैं क्या सच में आपस डॉग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है या फिर नहीं। तो यहाँ पास एक कार तो काफ़ी दूर चला गया गाइस, इस साइड चलो चलते हैं जल्दी से। एंड इस साइड एक कार हम लोग को सामने दिख जाए, बस ये देख सकते हो ये एक कार हम लोग को देखने को मिल गया। एंड गाइस ये क्या भाई मतलब कि डॉग भाई मतलब सुपर डॉग बन चुका है भाई लिटरली में।
एंड चलो बुगाटी के साथ करके देखते हैं। एंड देख सकते हो ये भी अगर बस हम लोग हल्का सा चुक गए वरना गाइज ये भी गाइज पूरी तरह से मतलब ये पलट जाता भाई। एंड देख सकते हो यहाँ पास ऑडी जो है यहाँ पास पूरी तरह से पलट गया। एंड यहाँ पास देख सकते हो बुगाटी भी पलटने ही वाला था लेकिन गाइज ये थोड़ा स्टेबल कार है इसलिए नहीं पलटा। एंड यहाँ पास देख सकते हो ऑडी, चलो ऑडी को हम लोग यहाँ पास सीधा करके देखते हैं। एंड भाई ऑडी यहाँ पर सीधा भी हो गया लेकिन गाइस ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, यहाँ पर सीधा भाग गई भाई लिटरली में। एंड मतलब कि वो डर के भाग गया बेचारा। एंड चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। एंड आपको सिंपली 555 डाल करके एक प्लेन स्पॉन कर लेना है। एंड प्लेन के ऊपर में ही गाइस आपको यहाँ पर एक थार भी स्पॉन करना है जिसका चिट कोड है गाइस 9090। लेकिन एक मिनट भाई, ये तो उड़ा के ले गया भाई अपने प्लेन को, लिटरली ले क्या हुआ। एंड ऐसा कुछ नहीं था गाइस, यहाँ पर सिंपली आपको 555 डाल करके आप लोग एक प्लेन स्पॉन करना है। एंड इसके ऊपर गाइस आप लोग को बिल्कुल भी हिलना नहीं है। एंड इसके ऊपर आपको यहाँ पास 9090 डाल करके एक थार स्पॉन करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पास प्लेन के अंदर एंटर कर देना है। एंड उसके बाद देखने को मिलेगा एक खतरनाक सा मैजिक, चलो देखते हैं गाइस कौन सा मैजिक देखने को मिलता है, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग तो बैठ गए लेकिन एक मिनट, हम लोग यहाँ पर सीधा वाइड में आ गए भाई। एंड भाई लिटरली या गाइस हम लोग सीधा वाइड में आ गए। एंड आप लोग यहाँ पास वाइड में आ गए गाइस आप लोग प्लेन चलाना भी सीख सकते हो क्योंकि यहाँ पास प्लेन ऑन होता है। एंड प्लेन ऑन होगा कि नहीं गाइस, यहाँ पर सीधा हम लोग यहाँ पर प्लेन को ऊपर लेके जा सकते हैं एंड वाइड से बाहर भी निकल सकते हैं। चलो आपको दिखा दूँ वाइड से बाहर निकल के। तो गाइस हमें यहाँ पास मैं ट्राई की कर, मतलब करके देख चुका हूँ, इसी से हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस बार हम लोग यहाँ पास दोबारा से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पास देख सकते हो काफ़ी दूर है लेकिन गाइस चलो देख लेते हैं कि हम लोग सच में ऊपर जा पाएंगे या फिर नहीं। एंड फाइनली गाइस देख सकते हो हम लोग सच में बाहर निकल गए गाइस। एंड भाई ये मैच काफ़ी बढ़िया था। एंड आप लोग कमेंट करके बताना गाइस मिथ आपको कैसा लगा। एंड चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की ओर, लेट्स गो। एंड नेक्स्ट मिथ ये गाइस कि सबसे पहले आपको यहाँ पास आरजे स्टूल ओपन करना है। एंड यहाँ पास बिल्डिंग कोई भी एक बिल्डिंग स्पॉन कर लेना है। एंड यहाँ पास मैं कोई भी से एक बिल्डिंग स्पॉन कर लें। एंड आपको यहाँ पास जेट पैक स्पॉन करना है। एंड 3330 डाल करने से हमारे गेम के अंदर यहाँ पास जेट पैक तो देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है चलो बता दो। तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से बिल्डिंग के ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर में, सॉरी गाइस फर्स्ट फ्लोर में नहीं, आपको यहाँ पास सीधा प्ली आपको टॉप में जाना है। एंड टॉप में जाने के बाद आपको क्या करना है आपको चलो बता दो। तो फिर से दोबारा से आरजे टूल ओपन करना है। एंड आपको यहाँ पास डाल करना पड़ेगा M1। तो आप लोग चल जल्दी से हम पास M1 डाल कर देते हैं। एंड उसके बाद गाइस जैसे हम लोग यहाँ पास M1 डाल करते हैं तो हम लोग को यहाँ पास एक क्रेजी सा मैजिक देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग को कोई भी से एक 9129 इन्फिनिटी हेड कोड को एक्टिवेट कर लेना गाइस, वरना हम लोग एक ही बार में गाइस हम लोग यहाँ पास खत्म हो जाएंगे भाई लिटरली में। तो चलो यहाँ पास कोई भी एक रैंडम बाइक स्पॉन कर लेते हैं। मैं यहाँ पास ZX10 बाइक स्पॉन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पास आपको सिंपली जो हम लोग M1 स्पॉन किए गए जो एक लोकेशन आइकन, एंड इसमें से हम लोग को यहाँ पास क्रॉस कर देना है। एंड उसके बाद हमारा जो यहाँ पास लोकेशन है तो पूरी तरह से सेव हो चुका है। लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पास दोबारा से स्लो मोशन वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हो अपना जो सेव किया हुआ लोकेशन है उसमें हम लोग दोबारा से पहुँच जाते हैं। एंड चलो यहाँ पास जल्दी से नीचे चलते हैं। एंड उसके बाद क्या है आपको यहाँ पास आरजे स्टोन में यहाँ पास मोड ऑन लिखना है। एंड मोड ऑन लिखने के बाद आपको यहाँ पास पिस्टल निकालना है। पिस्टल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास बिल्डिंग जो है इसे डिलीट कर देना है। चलो इसे मैं जल्दी से डिलीट कर देता हूँ। एंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड देख सकते हो गाइस मतलब फ्रैंकलिन गाइस पूरी तरह से पिस्टल को पकड़े पकड़े गाइस नीचे आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तक तो अपना लोकेशन जो है पूरी तरह से सेव है। एंड गाइस यहाँ पास मैं सुपर निकालता हूँ। एंड जैसे गाइस यहाँ पर स्लो मोशन एक्टिवेट वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ तो अपना जो यहाँ पर सुपर सीधा ऊपर पहुँच गया भाई लिटरली में आप लोग देख सकते हो। एंड इसी तरह से गाइस आप लोग कोई भी सकार यहाँ पास ऊपर ले जा सकते हो जहाँ पास आपने लोकेशन सेव किया है। तो ये मैच मुझे काफ़ी बढ़िया लगा गाइस। एंड आप लोग इसे जरूर ट्राई करके देखना है लेकिन इसका स्पीड भाई इतना तरह मतलब कि रॉकेट की स्पीड से कैसे जा रहा था मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। एक्चुअली इसे डिफेंडर कार के साथ भी करके देखते हैं क्या डिफेंडर कार भी मतलब रॉकेट की स्पीड पकड़ लेगा गाइस ऊपर जाने के बाद या फिर नहीं। तो यहाँ पास चलो जल्दी है जल्दी से यहाँ पास डिफेंडर कार को ऊपर लेकर क्या इससे भी हम लोग के यहाँ पास खतरनाक मतलब मैजिक देखने को मिलेगा या फिर नहीं, या फिर सुपरा की तरह गाइस इसका भी पूरी तरह से पार्ट्स अलग हो जाएगा। भाई इसका तो कोई भी पार्ट्स अलग नहीं हुआ, मतलब डिफेंडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पास चलो चलते हैं इसको लेकर। आप लोग को स्टिकी बम को फेंकते फेंकते गाइस आप लोग यहाँ पास मतलब कि फायर ट्रक के अंदर एंटर करना है। एंड यहाँ पास लोकेशन को सेव कर देना है। तो जैसे यहाँ पास लोकेशन सेव को बटन को यहाँ पास क्लिक करते हो तो अपना जो यहाँ पास देख सकते हो गाइस एक न्यू क्रेजी समेत देखने को मिला जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई। आप लोग देख ही सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे कि गाइस एक झूला झूल रहा है भाई ऊपर ही में, आप लोग देख सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।